स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 4। देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज हम करा चुके हैं, प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन द एक्सरसाइज 1-5 प्रूव दैट। कहता है एक्सपेंड किए बिना, एक्चुअल एक्सपेंड किए बिना इसको क्या करो, प्रूव करो इक्वल टू जीरो। देखिए भाई, कैसे इक्वल टू जीरो प्रूव होगी। देखो यहाँ क्या है, एक्स, यहाँ ए, तो ये कॉलम है C3, C2, C1। तो सॉल्यूशन देखिए भाई, C3 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, C1 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और C2 भी। C1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा, ABC। देखो भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो फर्स्ट है वो एज इट इज टर्म रह जाए, कॉलम YZ ABC एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, इसमें से क्या जाएगा, C1 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ जेड, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, वाई से वाई, जेड से जेड। तो क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आया एक्स वाई जेड ABC, यहाँ है ABC। तो क्या है, C2 इक्वल टू C3। C2 और C3 की वैल्यू क्या है, सेम है। कोई दो कॉलम्स या टू रोज क्या है, इक्वल है, तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या होता है, जीरो। हैंस रूट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इधर है बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, और सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। ये भी किसके इक्वल प्रूव करना है, जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखो भाई, यहाँ है ए माइनस बी, यहाँ क्या है बी माइनस सी, यहाँ सी माइनस ए। पहले तो देखो ये क्या है, ये एक जैसी टर्म है, इधर यानी कि रो में जाएंगे तो भी सेम टर्म है, कॉलम्स में भी जाएंगे तो भी सेम टर्म है। तो R1 को क्या लिखो, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 में R2 और R3 और R1 को ऐड करो। देखो भाई, A माइनस बी, R2 कौन सी है, ये R2 है और ये R3 है, प्लस B माइनस सी प्लस सी माइनस ए, फिर B माइनस सी, फिर C माइनस ए, फिर प्लस A माइनस बी, फिर क्या है C माइनस ए प्लस ए माइनस बी, और फिर क्या है माइनस प्लस बी माइनस सी। देखो बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, और बी माइनस सी। देखो ए से ए कैंसिल, बी से बी, सी से सी, सेम टर्म में बी से बी, ए से ए, सी से सी, एक रो पूरी जीरो बन जाएगी। वन रो पूरी जीरो बनती है या वन कॉलन कंप्लीट जीरो है तो भी उस कंडीशन में भी उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ देखो भाई, टू कोई इस तरह से देखो, कोई संख्या किसी के मल्टीपल है या नहीं है। देखो 7, 9 जा 63, 8, 9 जा 72, 9, 9 जा 81। तो यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगी कब, जब इसमें से 65 में से 2 गया 63, 75 में से 2 गया 72, वो भी 8 की टेबल में, और 86 में से 5 गया कितना बच जाएगा 81, वो क्या आ जाएगा 9 की टेबल में। तो यहाँ पहले कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, C3 माइनस C1। देखो भाई 2, 3, 5, यहाँ कितना है 7, 8, 9, यहाँ कितना गया
65 माइनस 6 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, इधर यहाँ आ जाएगा 63। नेक्स्ट में इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ गया 72, ये कितना आ गया 81। नेक्स्ट स्टेप में देखो भाई 235, ये क्या 789, और यहाँ पर क्या है 9 × 7, 9 × 8 और 9 × 9, तो यहाँ से कंप्लीट क्या है 9। अगर 9 हम कॉमन भी ले सकते हैं या सीधा भी यूज कर सकते हैं, जो C3 है, C3 है 9 × C1, C3 C1 का 9 गुणा है, इसलिए सीधा ही डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा 0। ऐसा भी 9 × C3 नहीं C2 है भाई, क्या है C2 ये, या ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 789, तो उससे क्यों सिचुएशन में क्या जाएगा C2 = C3, तो उस सिचुएशन में डिटर्मिनेंट क्या रहेगा 0। नेक्स्ट में देखिए भाई, यहाँ पर इस 111, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, कितना है AB + AC, BC + AB, और फिर क्या है CA + BC। अब यहाँ कोई टर्म है कॉमन नहीं आ रही है, पर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं C3 में क्या ऐड कर दूँ C2 ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा 111। C1 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, C2 पर भी कोई इफेक्ट नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। और नेक्स्ट में क्या है AB + AC + BC, फिर यहाँ है AB + सिस्टमेटिक ढंग से लिखो BC + CA, यहाँ क्या है AB ये है AB + BC + CA, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लें AB + BC + CA, कॉमन लेने पर क्या बचेगा 111, ये BC, CA और AB, ये क्या 111, तो C1 किसके इक्वल है C3 के, देयरफॉर डिटर्मिनेंट क्या होगा 0, क्या होगा 0। एक्सपेंड नहीं करना, प्रॉपर्टी यूज करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 में लिखता है प्रूव दैट, इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। देखिए भाई, यहाँ से हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखो भाई, डिटर्मिनेंट है C + A, A + B और Q, R, R P, P Q, Y, Z और Z + X और X + Y, तो ये सम ऑफ टू मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, तो इसको हम सेपरेटली कैसे लिख सकते हैं B Q Y, यहाँ पर है C + A, R + P और ये है Z + X, A + B, P + Q और X + Y, यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड टर्म लिखो C, R and Z, यहाँ पर है C + A, R + P, Z + X, A + B, P + Q, X + Y, X + Y। देखिए भाई, अब इस पर ऑपरेशन यूज करके इसको सोल्व करेंगे, यहाँ हमारे पास बी, यहाँ पर क्या है C + A, तो इसमें से अगर हमें हम R3 में से R1 सब्ट्रैक्ट करें, फर्स्ट पर ऑपरेशन यूज करते हैं फर्स्ट पर, तो इसको एक बार हमने Δ1 मान लिया और इसको मान लिया Δ2, तो Δ1 देखो भाई, Δ1 पे यूज कर दिया R3 माइनस R1, R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करो, R1 पर कोई इफेक्ट नहीं है एज इट इज लिख दी जाएगी, R2 पर भी कोई इफेक्ट नहीं है तो वो भी एज इट इज टर्म लिख दी जाएंगी, और R3 A + B में से B सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है A, यहाँ क्या आ गया P और यहाँ क्या आया
वाई से वाई कैंसिल आउट, क्या बच गया एक्स, क्या बचा एक्स। देखिए भाई अब इस संख्या को अगर हम इसमें सबट्रैक्ट करें, आर ऑपरेटिंग आर टू, आर टू में से क्या सबट्रैक्ट करो आर टू माइनस आर थ्री, तो क्या देगा देखो भाई, आर टू में से आर थ्री सबट्रैक्ट किया, आर वन पर कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ ए में से ए से ए कैंसिल आउट हो जाए ये, फिर पी से पी कैंसिल आउट आर, ये क्या बच गया जेड, और नीचे ए पी एक्स, क्या बच गया ए पी एक्स। ऊपर देखो भी क्या है, ऊपर है इस टर्म में, तो यहाँ पर तो बी है और यहाँ पर सी है, इसको इंटरचेंज करो, क्या करें इंटरचेंज, इंटरचेंज करेंगे तो क्या जाएगा भाई, इंटरचेंज करेंगे तो देखो बी क्यू वाई, क्या आ गया बी क्यू वाई, इंटरचेंज करेंगे, एक बार इंटरचेंज करते हैं तो उसका एक जो साइन है वो क्या होता है चेंज हो जाता है, किसका आ जाएगा डिटरमिनेंट साथ के माइनस ऑफ डिटरमिनेंट, फिर अब एक बार अगेन चेंज करना है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, एक बार और आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ये क्या है आंसर में ये टर्म मैच कर रही है। इसी प्रकार सेकंड टर्म को सोल्व कर लेंगे, किसको करेंगे सेकंड डेल्टा टू को, इसको क्या करेंगे इसको एक बार इसमें से घटा दूँ, क्या बचेगा यहाँ बचेगा ए, यहाँ क्या बचेगा टी और यहाँ एक्स, तो ऑपरेटिंग आर डेल्टा पर, डेल्टा टू पर ऑपरेटिंग करेंगे तो क्या जाएगा, कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे आर टू, आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन, देखिए आर टू माइनस आर वन करेंगे सी आर जेड एज इट इज, यहाँ पर क्या है इसमें सी सब्ट्रैक्ट हो जाए, क्या बजाय ए, यहाँ क्या बजाय पी, यहाँ क्या बजाय एक्स, अब देखो भी ए प्लस बी और पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, अब इस संख्या को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या है ऑपरेटिंग, क्या ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट करेंगे आर थ्री, आर थ्री में क्या कर सब्ट्रैक्ट कर दिया आर टू, क्या आ जाएगा सी आर एंड जेड ए पी एक्स, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करो कितना गया बी क्यू वाई, क्या आएगा बी क्यू एंड वाई, तो अब इसको इंटरचेंज करो, यहाँ तो कितना आना चाहिए इसको इसमें चेंज करो, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए पी एक्स सी आर जेड और बी क्यू वाई, अगेन चेंज करो, अगेन करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड, तो माइनस माइनस प्लस, ये डेल्टा टू है ये डेल्टा वन है, डेल्टा वन और डेल्टा टू की वैल्यू क्या है सेम है, सेम टर्म को ऐड करते हैं तो क्या होता है ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। देखिए एक बार दोबारा देखिए रिपीट, रिकैप करते हैं, ये टर्म है इसको क्या है हमने दो डिफरेंट सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब डेल्टा वन को सिंप्लीफाई किया, डेल्टा वन को सिंप्लीफाई किया कैसे करा, आर थ्री में से आर वन सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या जाएगा यहाँ सिर्फ ए पी एक्स, फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट, फिर इन दो ये टर्म आ गई, इनको इंटरचेंज करेंगे, एक बार चेंज करेंगे तो माइनस, फिर चेंज करेंगे तो माइनस का साइन चेंज हो जाए प्लस, सिमिलर पैटर्न पर ये हैं, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड कर देंगे क्या करेंगे ट्वाइस ऑफ दिस। देखिए कहता है क्वेश्चन सिक्स में यूजिंग प्रॉपर्टी सोल्व दीज क्वेश्चन सिक्स सेवन अप टू लास्ट तक। देखिए यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्या करना है, मैक्सिमम जीरो बनती है तो जीरो बनाओ, या देखो कोई टर्म में पहली टर्म या दूसरी तीसरी रोज है वो इक्वल आ रही है, या फर्स्ट कॉलन सेकंड कॉलन थर्ड कॉलन क्या आ रही है इक्वल है, तो क्या है वो प्रूव करो, इक्वल आ जाती है तो जीरो हो जाती है, इक्वल नहीं बन पा रही है किसी भी मेथड से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर करके देखो भाई, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करो, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग कौन सा ऑपरेट लगाओ,
जीरो बना के देखो, जीरो यहाँ तो मैक्सिमम जीरो बनाओ, मैक्सिमम नहीं बन रही है तो कम से कम एक कोलन में टू जीरोज बनाओ। इसको कितने से गुणा करूँ भाई, जीरो बन जाए, इसको बी से और इसको कितने से गुणा करूँ ए से, और उन दोनों को ऐड कर दे, इसको बी से ऐड कर मल्टीप्लाई कर दिया इसको ए से, तो इन दोनों को ऐड करने पर ये फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, जीरो। तो देखो ऑपरेटिंग आर टू इक्वल आर टू बी टाइम आर टू एंड आर थ्री ए टाइम आर थ्री। देखिए भाई क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू जीरो ए माइनस बी, नेक्स्ट में बी से मल्टीप्लाई किया क्या है माइनस ए बी, बी इंटू जीरो जीरो माइनस ऑफ बी सी। नेक्स्ट में यहाँ पर देखो इसको ए से मल्टीप्लाई किया, प्रत्येक एलिमेंट ए से मल्टीप्लाई हो जाए, ए बी ए सी और जीरो को मल्टीप्लाई किया तो क्या है जीरो। अब ऑपरेटिंग ये क्या है, अगला ऑपरेशन यूज करेंगे आर टू, आर टू प्लस आर थ्री, इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आएगा, ऐड करने के बाद आ जाएगा ये जीरो ए माइनस बी। देखिए ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जीरो बन जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया ए सी, और माइनस बी सी में जीरो ऐड हुआ तो क्या रहेगा, माइनस बी सी ही रहेगा, और यहाँ पर ए बी यहाँ ए सी ये जीरो, कितना आ गया ये जीरो। देखो भाई अब इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग अलोंग जिसमें जीरो है ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें अलोंग सी वन, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी जीरो इंटू समथिंग प्लस या माइनस जीरो इंटू समथिंग, और नेक्स्ट में कितना है ये थ्री वन है तो इसके आगे प्लस आता है तो क्या आ जाएगा प्लस ए बी, कितना आ जाएगा प्लस ए बी, और ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, क्या बच जाएगा इंटू माइनस ए बी सी, माइनस एक ये है और एक फार्मूले के लिए है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस ए बी सी, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या आ जाएगा भाई जीरो। देखिए सोल्व करने का मेथड क्या है, मैक्सिमम एक लाइन में पूरी जीरो होनी चाहिए जीरो बनाने के लिए, या टू रो इक्वल होनी चाहिए या टू रो कोलन टू कोलन इक्वल होना चाहिए, टू रो और टू कोलन इक्वल नहीं हो रहे तो दो जीरो बनाओ कम से कम एक लाइन में या एक कोलन में। तो ऑपरेटिंग इसको बी से गुणा कर दें और इसको ए से, तो इन दोनों का ऐड करने पे क्या बन जाए यहाँ पर जीरो, बी से मल्टीप्लाई किया माइनस ए बी जीरो माइनस बी सी, यहाँ ए से ए बी ए सी और जीरो, इसको एक्सपेंड कर दिया सी वन के अकॉर्डिंग क्योंकि यहाँ पर दो जीरो जो हैं, और इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो माइनस ए बी सी एक माइनस फॉर्मूले के लिए और एक माइनस ये है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस संख्या क्या होगी कैंसिल आउट हो जाएंगे अपोजिट साइड में जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या रहेगा जीरो, ये क्या हमारा आंसर हैंस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन फाइव है, कहता है प्रूव दैट, देखिए भाई देखो यहाँ ए फोर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, तो देखो भाई ये ए बी सी चाहिए हमें, तो ए बी सी देखो कोई कॉमन आ रहा है तो क्या है यहाँ से कॉमन लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वेयर ए बी ए सी, यहाँ है बी ए माइनस बी स्क्वेयर बी सी, यहाँ सी ए सी बी माइनस सी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। देखो भाई यहाँ पूरी टर्म से कौन कॉमन आ रहा है ए, आर वन से ए आ रहा है, वो आर टू से क्या आ रहा है बी, आर थ्री से क्या है सी, टेकिंग कॉमन फ्रॉम आर कॉमन ए बी सी रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली ज़रूर लिखना है, इसका मतलब है पहला है ए आर वन से, दूसरा आर टू से एंड तीसरा क्या है आर थ्री से, तो कॉमन लिया तो क्या बच गया आ गया ए बी सी बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ ए बच जाएगा, एक पावर निकल चुकी है, यहाँ से क्या बच गया बी, यहाँ क्या बच गया भाई
सी, यहाँ क्या बच गया ए माइनस बी, यहाँ क्या बचा सी, सी कॉमन लेते हैं तो यहाँ ए बी माइनस ऑफ सी। आप देखो भाई, अब आगे भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है ए, यहाँ से कॉमन आ रहा है बी और यहाँ से सी, तो अगेन टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम सी वन सी टू एंड सी थ्री, किससे कॉमन ले लिया सी वन सी टू सी थ्री, तो ए दो बार कॉमन है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर एंड सी स्क्वेयर, माइनस वन कोलन में से लें वन वन, ये कितना बचा, ये बचा है हमारे पास वन माइनस वन वन, ये क्या बचा वन वन माइनस वन, इसको यहाँ पर भी को एक्सपेंड कर सकते हैं और इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं, एक लाइन में दो जीरो बनाओ, देखो फर्स्ट रो में बना सकते हैं या फर्स्ट कॉलम में, रो में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग क्या करेंगे आर वन एज इट इज, आर टू इक्वल टू आर टू प्लस आर वन, और आर थ्री, आर थ्री क्या है आर थ्री प्लस आर वन, देखो इसको इसमें ऐड कर देंगे क्या बन जाए जीरो, इसको इसमें ऐड करेंगे जीरो, देखिए ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर एंड सी स्क्वेयर, फर्स्ट रो पर कोई इफेक्ट नहीं है तो फर्स्ट रो एज इट इज़ लिख दी जाएगी, सेकंड रो में ये क्या बन गया भाई जीरो, क्या बन गया जीरो, ये भी क्या बन गया जीरो, यहाँ पर क्या है टू, यहाँ पर क्या बन गया जीरो, यहाँ पर कितना है टू और यहाँ पर कितना है जीरो, अब इसको एक्सपेंड कर दे, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या है C1, C1 वन के अलोंग एक्सपेंड करें तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ऑलरेडी बाहर है, अंदर कितना आ जाएगा माइनस ऑफ वन इन टू, इन दोनों ये दोनों इलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा जीरो माइनस फोर, क्या क्या भाई जीरो माइनस फोर, तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस वन, जीरो में से फोर गया तो क्या बच जाएगा माइनस फोर, तो क्या आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस फोर ए बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर हैंस प्रूड, हैंस प्रूड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एट्थ क्वेश्चन, देखिए ये यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है एच बी एस सी और सी बी एस सी में, तो यहाँ से फोर मार्क्स का जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में अटैम्प्ट होता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से करें। देखिए भाई यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है यही है, अब इस पर ऑपरेशन यूज करते हैं हम, इसको मैक्सिमम हम क्या बनाते हैं जीरो बनाते हैं, जीरो इस तरह से बनाते हैं कि उस जीरो बनाते समय ये टर्म में से ज़्यादा टर्म आए वो अच्छी बात है, उनको लाने की कोशिश करेंगे, इन टर्म्स का भी हमें ध्यान रखना है, तो कैसे आ जाएंगी, देखो भाई यहाँ जीरो बन जाएगी, ऑपरेटिंग क्या ऑपरेट करेंगे, ऑपरेटिंग आर टू, आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री, आर थ्री माइनस आर वन, कई स्टूडेंट्स ऐसे कर देते हैं आर टू थ्री आर थ्री माइनस आर टू, फिर वो पजल हो जाते हैं, पजल होने का क्या कारण है, ये कारण है कि आर टू जो यूज किया है यहाँ पर वो ऑपरेशन लगाने से पहले वाला आर टू है या ऑपरेशन लगाने के बाद जो आर टू आया है वो ही आया है। देखिए एक तो आर टू है ऑपरेशन से पहले, क्यों हम यहाँ किस पर ऑपरेट कर रहे हैं आर टू पर ही, और यहाँ आर टू को दोबारा ऑपरेट कर दिया इकट्ठा ही, तो यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं आर टू कौन सा है, तो इसलिए इससे बचेंगे और आर वन ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं आर थ्री को आर वन में से आर वन माइनस आर थ्री, आर टू माइनस आर थ्री जो सब्ट्रैक्ट करना है वो सेम टर्म रहनी चाहिए, चाहे तो आर वन रहनी चाहिए चाहे आर टू चाहे आर थ्री, ये मतलब लास्ट वाली टर्म क्या है सेम रहनी चाहिए, क्योंकि इस पर कोई ऑपरेशन यूज नहीं हो रहा इस टर्म पर और इस टर्म पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा और ये एज इट इज रहेगी। देखिए भाई ऑपरेशन कैसे यूज करते हैं, आर वन एज इट इज़ लिखेंगे ए ए स्क्वेयर, फिर क्या है
वन माइनस वन क्या आया जीरो, बी माइनस ए यहाँ क्या आया बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, नेक्स्ट में वन माइनस वन जीरो, सी माइनस ए सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, यहाँ पर क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। अब एक्सपेंड नहीं करना है, एक्सपेंड कब करना है जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब यहाँ से ये टर्म सोल हो रही है, ये भी और ये भी, कैसे सिंप्लीफाई हो रही है देखिए भाई, यहाँ पर है वन ज़ीरो ज़ीरो ए बी माइनस ए सी माइनस ए, यहाँ ए स्क्वेयर बी माइनस ए और बी प्लस ए, नेक्स्ट में है सी माइनस ए और सी प्लस ए, इसको फॉर्मुलेट कर दिया। कौन सा फार्मूला यूज हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस ए वाई। देखो भाई क्या आ जाएगी वैल्यू, वैल्यू आई हमारे पास ये वन ज़ीरो ज़ीरो, फर्स्ट कॉलम पर कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे आर टू से, आर टू से कॉमन आ रहा है बी माइनस ए और आर थ्री से क्या कॉमन आ रहा है सी माइनस ए। कॉमन लेने का क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट में पूरी रो में से एक रो में से निकलेगा या एक कॉलम में से, ये नहीं कि प्रत्येक एलिमेंट से नहीं आएगा, एक रो में से कॉमन आएगा या एक कॉलम में से। तो आर वन में आर टू में से क्या आ जाएगा बी माइनस ए और आर थ्री में से क्या आ जाएगा सी माइनस ए, यहाँ से सी सी माइनस आर वन पर कोई इफेक्ट नहीं है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर क्या गया बी माइनस ए कॉमन आया वन बच जाएगा, यहाँ क्या बच गया बी प्लस ए, यहाँ क्या कॉमन आया ये है जीरो, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करेंगे, सी माइनस ए से जीरो को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, यहाँ कितना बच गया भाई वन और यहाँ क्या बच गया सी प्लस ए, क्या बच गया सी प्लस ए। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे किसके अकॉर्डिंग सी वन के, तो एक्सपेंडिंग क्या है एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन, सी वन के देखो भाई ये जो टर्म है बी माइनस ए और सी माइनस ए ये बाहर आ चुकी हैं और अंदर देखो ये इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर कितना गया वन, कितना गया वन इंटू सी प्लस ए, फिर एक ब्रैकेट और माइनस वन, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा यही रहेगा, यहाँ पर आ गया बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए और यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगी और यहाँ पर क्या है साइन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएंगे साइन चेंज, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कितना आ गया सी माइनस बी, कितना आ गया भाई सी माइनस बी। अब देखो ये जो हमारा रिजल्ट आया है वो इसकी फॉर्म में है या नहीं है, यहाँ ए माइनस बी है तो यहाँ ए माइनस बी करो भाई, तो यहाँ से माइनस कॉमन लो माइनस वन, तो ए माइनस बी, फिर देखो बी माइनस सी है तो यहाँ से भी क्या कॉमन लें माइनस, तो माइनस की पावर कितनी होगी टू, एक पावर तो वन पावर तो यहाँ से है वन पावर यहाँ से, कितनी पावर होगी टू और ये कितना है सी माइनस ए, और पहले बी माइनस सी भी लिखना था हमें बी माइनस सी और यहाँ कितना गया सी माइनस ए, माइनस वन का स्क्वेयर क्या होता है प्लस, तो ये क्या गया जो हमारा आंसर था वो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन एट का जो सेकंड पार्ट है वो ये है, इसका एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई वन 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 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो ऑपरेशन यूज होगा मैक्सिमम जीरो बनानी है, मैक्सिमम नहीं बन रही तो टू तो ज़रूर कोशिश करेंगे, यहाँ ऑपरेटिंग क्या है ऑपरेटिंग आ सी टू, सी टू में से कौन सब्ट्रैक्ट कर देंगे सी वन एंड सी थ्री, सी थ्री माइनस सी वन, सी थ्री माइनस सी वन, देखो भाई ये सी वन एज इट इज रह जाएगा, इस पर कोई ऑपरेशन यूज नहीं हुआ है, देखो इसी अब इसमें से ये घटा दिया वन में से वन गया जीरो, बी में से ए गया बी माइनस ए, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, नेक्स्ट में वन माइनस वन जीरो, यहाँ पर क्या है सी माइनस ए
और सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। देखिए भाई यहाँ से अगेन इसको यह दो जीरो आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये ऊपर वाली रो, बट यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा है, कॉलन वाइज जा रहा है, बी माइनस ए है और यहाँ बी क्यूब माइनस ए क्यूब है। तो इसको फॉर्मूलेट करेंगे, बी क्यूब माइनस ए क्यूब क्या फार्मूला होता है, फार्मूला यूज करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या होता है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस स्टेप में आ जाएगा बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी या बी ए, यहाँ आ जाएगा सी माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए सी, सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। एक्स की वैल्यू सी है, वाई की वैल्यू ए है। अच्छा कई बच्चे इस बात पर रखते हैं यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, नहीं यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आता है माइनस। देखो भाई अब कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से सी टू से आ जाएगा बी माइनस ए और सी थ्री से क्या आ जाएगा सी माइनस ए। तो यहाँ कॉमन आएगा बी माइनस ए एंड सी माइनस ए कॉमन, वन ए ए क्यूब, यहाँ क्या बचा भाई जीरो, जीरो में से कॉमन लिया क्या रहेगा जीरो, ये पूरी टर्म कॉमन आ चुकी वन बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा सिमेट्रिक फॉर्म में लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर क्या है जीरो, यहाँ वन बच जाएगा, यहाँ है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। देखिए अब इसको एक्सपेंड करते हैं, क्या करते हैं एक्सपेंड। देखो इस बात का ध्यान रखना है जब जीरो बना रहे हैं तो वो टर्म कॉमन आनी चाहिए, बी माइनस ए है इससे फ़र्क नहीं पड़ता ए माइनस बी या बी माइनस ए, इसको लास्ट में हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, सी माइनस ए वहाँ पर है यहाँ पर भी है। तो एक्सपेंडिंग क्या है, एक्सपेंडिंग ये फॉर्मूला है नोट कर लेना। अब इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, किसके अकॉर्डिंग कर देंगे भाई आर वन के, आर वन के करेंगे तो क्या जाएगा ये वन, ये बाकी जो दो टर्म हैं वो तो जीरो ही हैं, तो ये जो पहली वाली वैल्यू है वो लिखेंगे बी माइनस ए और सी माइनस ए। अब देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वन इन टू इन दोनों की मल्टीप्लाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ देखिए भी इसको ब्रैकेट सोल्व करेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर वाले सभी साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर से क्या है ए स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा यहाँ बचा है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ क्या बच गया ए सी माइनस ए बी, स्क्वायर वाली टर्म कंबाइन कर दी और विदाउट स्क्वायर वाली इकट्ठी रख दी। यहाँ फॉर्मूला फिर यूज हो जाएगा, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है भाई ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखो यहाँ आ जाएगा सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी, यहाँ पर क्या कॉमन है यहाँ ए कॉमन है भाई, क्या हो जाएगा सी माइनस बी और अंदर ये टर्म है, बाहर कितनी है बी माइनस ए और सी माइनस ए, बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, यहाँ क्या कॉमन है सी माइनस बी, सी माइनस बी यहाँ क्या बचा हुआ है सी प्लस बी प्लस ए। अच्छा आप देखो भाई माइनस कॉमन लो माइनस वन, क्या बच गया ए माइनस बी, यहाँ माइनस कॉमन लो अगेन यहाँ सी माइनस बी है, आंसर में बी माइनस सी है, तो कॉमन लेंगे क्या गया बी माइनस सी यहाँ स्क्वेयर हो गया, ये सी माइनस ए एज इट इज है, इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखो ए प्लस बी प्लस सी, ये माइनस वन का स्क्वेयर क्या होता है प्लस, क्या हो गया हैंस प्रूड। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।